अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम चॉकलेट कॉबलर बनाना सिखाएंगे आपको, विच इज़ अ डिज़र्ट जो हम बेक करेंगे अवन में, ठीक है। और हम आज हरी चटनी पीस के उस चिकन का पुलाव बनाना आपको सिखाएंगे। सो चॉकलेट कॉबलर के लिए मेरे पास यहाँ 3/4 कप मक्खन है, लेकिन पीला वाला मक्खन, ठीक है। 1 कप मैदा जाएगा, 1 चमचा भर के बेकिंग पाउडर जाएगा, 1/2 कप चॉकलेट चिप्स हैं, ब्राउन शुगर इसमें लाइट ब्राउन शुगर 3/4 कप जाएगी, 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 7 चमचे भर के इसमें कोको पाउडर जाएगा, 1/2 कप दूध है, वेनिला एसेंस है, 1.5 कप हमें पानी चाहिए वो डालेंगे हम, और फिर हम डालेंगे इसको बेक करने के लिए। दूसरी बात यह है कि इसको आप सर्व करेंगे आइसक्रीम के साथ या कस्टर्ड के साथ, वेनिला आइसक्रीम या चॉकलेट आइसक्रीम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज। माई कप्स हियर, पानी नाप तोल के डालना इसलिए है बिकॉज हमें इसमें बेकिंग के लिए चाहिए 1.5 कप, ये है पानी, ठीक है। गर्म पानी होना चाहिए, सो लेट्स बॉइल दिस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं मुझे क्या करना है। पूरा जो मक्खन है 3/4 कप मक्खन, वो सीधा ऐसे ही इस डिश में चला जाएगा, ठीक है। और हम अवन में रख देंगे ताकि ये पिघल जाए, निकालेंगे हम इसको, छेड़ेंगे नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है। फिर हमने मैदा लेना है, चॉकलेट चिप्स उसमें डालने हैं, ब्राउन शुगर, सफ़ेद चीनी और सिर्फ 2 चमचे कोको पाउडर, वो हम डालेंगे, ठीक है। फिर हम दूध को, वेनिला एसेंस को कंबाइन करेंगे, फिर हम ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, लेकिन हम उसको ऐसे स्टर नहीं करेंगे, इस एक के ऊपर एक हम डाल देंगे और फिर ये सारा बैटर हम ये मक्खन पिघला हुआ जो होगा उस पर डालेंगे, लेकिन हम उसको स्टर नहीं करेंगे। तो बैटर क्या होगा कि नीचे पूरा सिंक हो जाएगा, ठीक है, मक्खन ऊपर आ जाएगा। फिर हम अलग से थोड़ा सा और कोको पाउडर लेंगे, ब्राउन शुगर लेंगे और चीनी लेंगे और वो हम ऊपर ऐसे करके स्प्रिंकल करेंगे, वो भी हम स्टर नहीं करेंगे। सो बेसिकली नीचे मक्खन पिघला हुआ है, उसके ऊपर ये ड्राई मिक्सचर जा रहा है, उसके ऊपर ये दूध है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं, और फिर हम इसके ऊपर आखिर में पूरा बॉइलिंग वाटर डाल के अवन में रख देंगे बेक होने के लिए, ठीक है। फिर ये निकलेगा तो ये थोड़ा सा ढीला होगा, आप सेट नहीं होगा, ये चॉकलेट कॉबलर है। इसी तरह आप इसमें पीच कॉबलर बना सकते हैं, आजकल प्लम्स आए हैं, प्लम्स यानी आलूचे, उससे बना सकते हैं, मैंगो से बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट इज़ लाइक यर्थ, पूरा साल आप चॉकलेट या कोको पाउडर से तो चीज़ें बना सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी इसमें जाएंगे। फिर आप इसको सर्व करेंगे अलग अलग बोल्स में, 2-2 चमचे, 3-3 चमचे और 1 स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम या कॉफ़ी आइसक्रीम या वेनिला आइसक्रीम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, ठीक है। समझ आ गई बात, बहुत आसान है, ट्राई करिएगा, इसी तरह बनाइएगा। सो सबसे पहले मक्खन पूरा ऐसे डाल देते हैं अवन में, बस 2 मिनट में पिघल जाएगा, ओके। चलिए अब हम एक बोल में मिक्स कर देते हैं चीज़ें, कोई हमने बीटर वगैरह यूज़ करना नहीं है। अच्छा जी, अब मैदा है, चॉकलेट चिप्स हैं, मैदा है, ये चॉकलेट चिप्स हैं और थोड़ी सी ब्राउन शुगर बचाएंगे, दूसरी ब्राउन शुगर हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, ये बाद में जाएगी। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, चीनी, चीनी भी मुझे थोड़ी सी चाहिए, या 2/3 कप्स चाहिए, और तो मैदा हुआ, चॉकलेट चिप्स हुई, ब्राउन शुगर आदि हमने डाली है, कैस्टर शुगर डाली है और कोको पाउडर भी थोड़ा सा, दूसरा ऊपर से जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दूध में हम वेनिला एसेंस डाल देते हैं, मक्खन वहाँ पिघल रहा है, सो मक्खन वहाँ पिघल रहा है बेकिंग डिश में, उसको निकालेंगे। यहाँ मैंने मैदा, चॉकलेट चिप्स, आधी ब्राउन शुगर, आधी सफ़ेद चीनी और 2 चमचे कोको पाउडर डाला, यहाँ मैंने दूध के अंदर वो डाल दिया, क्या कहते हैं, वेनिला एसेंस, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या था, बेकिंग पाउडर भी था, वो भी मुझे इसी में डाल देना है,
ये सारी चीज़ें हम हटा देंगे, ठीक है। और ये चीनी जो है, और ये ब्राउन शुगर जो है, और ये थोड़ा सा और कोको पाउडर है, इसको एक बोल में कर देते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ चौक ये भी है, ये ज़्यादा है। जो रेसिपी लिखी है उसको एग्जैक्टली फॉलो करिएगा, ठीक है। सो रिमेनिंग कोको पाउडर, सफ़ेद पिसी हुई चीनी, ब्राउन शुगर, ये सब कुछ हमने यहाँ मिक्स कर दिया। ये ऊपर से टॉपिंग इसकी जाएगी, और गर्म पानी है, दूध है, और ये देखें मक्खन है, वो आधा पिघल चुका है। जैसे ही पिघल जाएगा पूरा, मैं इसको निकाल के रखूँगी और फिर उसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें डालेंगे, सही है। सो चूल्हे पर पिघलाइए या इस तरह ओवन में पिघलाइए, व्हाटएवर, पानी भी इसमें जाएगा। अगेन आई जस्ट रिकैप ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 3/4 कप मैंने पीला वाला मक्खन लिया है, उसको ओवन में रख दिया है पिघलने के लिए, जिस डिश में आपने इसको बेक करना है, ठीक है। फिर निकाल के यहाँ रख देंगे। मैंने मैदा, बेकिंग पाउडर, चॉकलेट चिप्स, आधा ब्राउन शुगर, आधा सफ़ेद चीनी और 2 चम्मच सिर्फ कोको पाउडर यहाँ मिक्स किया है। यहाँ मैंने अलग से दूध में वेनिला एसेंस डाला है, यहाँ मैंने सफ़ेद चीनी पिसी हुई और ब्राउन चीनी और कोको पाउडर ये यहाँ मिक्स किया है, ठीक है। सब चीज़ें ऐसी की हैं, अब ये मुझे इसके अंदर डाल देना है। जस्ट मिक्स दिस टुगेदर। जब मक्खन निकलेगा तो इसमें मैं ये पहले ये डाल दूँगी, उसके ऊपर फिर हम डालेंगे ये, और फिर गर्म पानी, समझ आ गई, और फिर ओवन में रख देंगे बेक करने के लिए। आप चॉकलेट डाल सकते हैं, मैंने चॉकलेट चिप्स डाले हैं। ये अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा। अच्छा जी, जब तक वहाँ मक्खन पिघल रहा है, पूरा पिघल जाएगा, मैं निकाल दूंगी, ब्रेक का वक्त आ जाता है। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। चलें ये देखें, मक्खन यहाँ बिल्कुल पिघल के ओवन में से निकल आया है। अब जो हमने चीज़ें मिक्स की थी वो इसके ऊपर हम डालेंगे, कुछ हिलाएंगे जुलाएंगे नहीं, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हम आपको सिखाते हैं, अलग अलग टेक्निक से, घर में सारे अज्जा होते हैं, खरीदने आपको बाहर जाना नहीं पड़ता है। अगर आपको बेकिंग का शौक है तो आपके घर में चॉकलेट चिप्स भी होंगे और मैदा और चीनी पिसी हुई, ब्राउन शुगर होगी, ये सब चीज़ें लेके रखें, तो इसी चीज़ों से आप कितनी कितनी और चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। सो इन्हीं चीज़ों से मैंने कितने रेसिपीज़ बनाए हैं, आप निकाल के तो देखिए, इन 10 ईयर्स ऑफ फूड डायरीज एंड मैनी मोर एपिसोड्स ऑफ दूसरे जो मैंने इतने सारे रिकॉर्डेड शोज़ किए हैं, इंक्लूडिंग चॉकोहॉलिक सीज़न 1, सीज़न 2 एंड मैनी अदर ब्रांडेड शोज़, तो उसमें सब कुछ कितना कुछ मैंने आपको बनाना सिखाया है। सो पिघला हुआ मक्खन पहले, फिर ये वाला मिक्सचर, फिर इसके ऊपर ये वाला मिक्सचर, ये ठंडा हो गया था पानी, इसलिए मैंने ये इसको वापस गर्म करने रख दिया था। ये चीनी है, कोको पाउडर है और ब्राउन शुगर है, इसके ज़रा लम्स निकाल देते हैं, और फिर इसको हमें इसके ऊपर पूरा ऐसे करके स्प्रिंकल करना है। ये जब बेक होके निकलेगा ना तो आपको समझ आएगा कि मैंने क्या बनाया है, और बहुत मज़े का हॉट डिज़र्ट बनता है। कोल्ड डिज़र्ट से लोग थक जाते हैं, तो फिर हॉट डिज़र्ट आप बना सकते हैं इस तरह के कोई, और इसके ऊपर पूरा जाएगा ये गर्म पानी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको कैरी करके वहाँ ले जाऊँ, पानी गर्म होगा, मैं साथ साथ सब कुछ नहीं कर सकूँगी, तो मैं आई टेक द वाटर देयर, पानी यहाँ ले कर रख देते हैं, और इसको मैं कैरी करके अंदर रखती हूँ, बिकॉज़ ये भी ऑब्वियसली बहुत गर्म है, ठीक है। आपने देख लिया ना, ये दिखा दिया ना, अब ये पानी जो है वो हम इसमें रखेंगे।
ठीक है, ये पूरा 1.5 कप पानी अंदर चला गया। और आप इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ये आपने रख दिया बेक होने के लिए। ओके, समझ आ गई। एक दफ़ा फिर रीकैप कर दूं, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है या आपको समझ नहीं आया मैंने क्या किया, कोई आपने बेकिंग के उसमें नहीं करना है, बीटर का इस्तेमाल आज नहीं करना है। चमचे से सब कुछ हमने मिक्स कर दिया। 3/4 कप मैंने मक्खन लिया, उसको मैंने जिस डिश में हम बेक करेंगे उसमें रख के अवन में रख दिया, पिघल गया निकाल के साइड में रख दिया। फिर मैंने 1 कप मैदा लिया, 1 टेबलस्पून भर के उसमें बेकिंग पाउडर डाला, 1/2 कप चॉकलेट चिप्स डाले। टोटल ब्राउन शुगर 3/4 कप थी, वो मैंने आधी उसमें डाली, और सफ़ेद वाली चीनी भी 1 कप थी, वो भी मैंने आधी उसमें डाल दी, ठीक है। और 2 चमचे कोको पाउडर डाला, मिक्स कर दीजिए। पिघले हुए मक्खन के ऊपर वो डाल दीजिए, फिर एक और बोल में बची हुई सफ़ेद चीनी, बचा हुआ ब्राउन शुगर जो है वो, और बचा हुआ कोको पाउडर, वो मिक्स करके उसके ऊपर डालिए। फिर 1.5 कप पानी गर्म कीजिए और वो सारा उसके ऊपर डाल के अवन में बेक करने रख दीजिए, ठीक है। डन, समझ आ गई। नाउ हमारे कॉलर्स कहाँ हैं जी आज, आप ज़रा मिलाइए कॉल्स इनके, ताकि हम बात भी कर सकें। नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द चटनी, हरी चटनी पुलाव जो हम चिकन का बना रहे हैं उसका मैं बता दूं। मैरिनेशन में चिकन का क्या है, हल्दी है, ये चिकन पे आपने हल्दी डाली, लाल मिर्चें हैं, ठीक है, और क्या था, नमक, और तो कुछ नहीं था इसमें, बस ये 3 चीज़ें आपने डाल के इसको मिक्स करके अच्छी तरह रख दिया। अब जो चटनी की चीज़ें हैं उसमें यहाँ मेरे पास अदरक और लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, धनिया पुदीना है, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, और धनिया और पुदीना, धनिया के स्टॉक्स भी लेते हैं, ठीक है, उसमें अच्छा टेस्ट होता है, पुदीने के स्टॉक्स नहीं लेते हैं। और सिर्फ 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे दही, और इसकी हम चटनी पीस लेंगे, ठीक है। चिकन को हमने हल्दी, नमक और लाल मिर्चों के साथ मैरिनेट कर दिया। चटनी के लिए हरी मिर्चें, धनिया पुदीना, दही, और मैंने क्या डाला है, अदरक और लहसुन, ये सब कुछ आपने ब्लेंड कर देना है। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब हम प्याज लेंगे, फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल लेंगे, और जब ये गर्म हो जाएगा तो 2 से 3 प्याज चॉप करके या स्लाइस करके आप उसको पहले फ्राई कर दीजिए, ठीक है। फिर हम बाकी लाल मिर्चें, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और धनिया पाउडर डालेंगे, चिकन को पकाएंगे, फिर ये चटनी जाएगी इसमें, चिकन के साथ चटनी पकेगी इस तरह। फिर हम अलग से एक उसमें, मैं वो साथ साथ कर लूँ बिकॉज देन देयर विल बी नो टाइम, चावल भी मुझे पकाने हैं। घी लेंगे, जैसे ही पिघल जाएगा तो उसमें हम साबुत गरम मसाला है वो डालेंगे। इसमें हम चिकन पका लेते हैं, उसमें हम चावल पका लेते हैं। दो से तीन टमाटरों को मैंने प्यूरे कर दिया था, इतना सारा घी नहीं लूंगी मैं, इसको कम कर दूंगी, ऊपर से हम डालेंगे जब हम दम पे रखेंगे।
सो ये तेज़ पत्ता है यानी बे लीफ, छोटी इलायची, लौंग, इसको ज़रा कड़कड़ाएंगे। ये सब कुछ चिकन में जाएगा। अच्छा, ब्रेक की तरफ चलना है, लेकिन मैं इनमें इसमें चावल डाल के चावल को पकाने के लिए रख दूंगी। ठीक है, आप लोग ब्रेक लीजिए, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक जी। देखें, यहाँ मैंने घी में साबुत गरम मसाला और तेज़पत्ता और चावल को डाल के, पानी नहीं डाला था, उसी में हो गया। तीन चौथाई डन करके चावलों को आपने साइड में रख देना है। ओके, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास एक आधा छोटा खीरा था, ग्रेट कर दिया उसको, उसको डाल दिया आपने दही के साथ, ये आपका खीरे का रायता बन गया। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, कुछ मिर्च मसाला डालना है वो डाल दीजिए, कुटी हुई लाल मिर्चें या लाल मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल के, बस दिस इज़ डन। दिस इज़ गोइंग टू बी सर्व विथ आ चिकन चावल। ओके, डन। यहाँ हमने तेल में प्याज ब्राउन कर ली थी, अब हमें चिकन डालना है इसमें। एक कॉलर है, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मीरपुर से मिसेज अली, मिसेज मुनव्वर अली बात कर रही हूँ। जी फरमाइए जी। मैंने आपकी ना बहुत सी रेसिपियाँ ट्राई की हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी मैं आपको रेसिपियों का नाम बताऊं? जी जरूर जी। नटी बनाना फ्रेटर बनाया मैंने आपका। अच्छा। माछ की दाल के दही बड़े बनाए। अच्छा। मिठू दही बनाई, टॉपिकल योगर्ट केक बनाया, चिकन समोसे, इलायची का शरबत, ऑनियन रिंग, पैरी पैरी फिंगर फिश, इतनी मजे की बनी, सबने बहुत पसंद की। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुलाब जामुन की डिजर्ट जो बनाई थी वो भी सबने पसंद की। बहुत शुक्रिया, आप बहुत प्यारी लगती है, माशाल्लाह आपकी रेसिपियां बहुत अच्छी होती है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इसी तरह साथ दीजिएगा। आज कोई सवाल नहीं रखा हमने, इसी तरह साथ देते रहिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा जरूर, ठीक है? इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ये धनिया पाउडर है, ये हमने चिकन पे डाल दिया, थोड़ा सा और रेड चिली पाउडर विल गो ऑन टॉप, और बहुत थोड़ी सी हल्दी, वैसे हम डाल चुके थे अंदर, वी डोंट नीड मोर। ये सब हो गया, ठीक है। ओके, चिकन को थोड़ा सा सॉटे करेंगे हम, ये ज़रा बड़े चिकन के पीसेज हैं आज, इसको हम सॉटे करके फिर हम इसको इसमें 2 से 3 टमाटर ब्लेंड किए हुए वो डाल देंगे। ये ब्लेंड किए हुए टमाटर हैं, और ढक्कन ढाँक के इसी में हम रख देंगे इसको पकने के लिए, थोड़ा सा ज़रा हो जाएगा, फिर ये हरी चटनी जो है ये सब कुछ इसमें जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। वेरी सिंपल, डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल दीज रेसिपीज़ एट होम, और बहुत शुक्रिया, आप लोग सब कुछ ट्राई करते हैं, नाम भी याद रखते हैं, और फिर मुझे फ़ोन करके बताते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा जी, यहाँ देखते हैं अगर कैमरा दिखा सके तो, पूरा जो बैटर था वो ऊपर राइज हो गया है, और जो इसका जो पानी था वो नीचे बैठ के सॉस बन जाता है। तो जब आप इसको निकालेंगे ना, पूरा नहीं पकाइएगा जब तक सूख नहीं जाए, इसको बस पकना है और आपको निकाल देना है। ये साइडों से बबल अभी हो रहा है, सो जस्ट अबाउट 10 more minutes, ठीक है। तो ज़रा हम इसी में पकने देते हैं चिकन को, और फिर इसके ऊपर हम चावल को लेयर करके रख देंगे। आप चावल को भी कच्चे अंदर डाल सकते हैं, लेकिन देन देयर इज़ नो टाइम हमारे पास, तो इसलिए फिर ऊपर से घी जाएगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। और रायता हम किसी छोटे से बोल में निकाल के रख देंगे, सिर्फ खीरा है कद्दूकश किया हुआ, या आप चॉप कर दें फाइनली। नमक और लाल मिर्चों का पाउडर थोड़ा सा मैंने डाला था फॉर द टेस्ट, आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं इसमें, एंड देन जस्ट सर्व दिस। वो जो डिश है वो बिल्कुल गरम गरम आपको सर्व करनी है, तो गरम गरम बोल में निकालिएगा, अलग अलग बोल्स में, और एक एक स्कूप वैनिला या चॉकलेट आइसक्रीम का ऊपर रख दीजिएगा।
की हरी चटनी इसमें जाएगी, जो थोड़ा सा दही के साथ हमने पीसी थी, अदरक लहसुन, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना। मेरी रेसिपीज़ बहुत सिंपल होती हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती ही नहीं हैं जो आप बाहर से ख़रीदनी आपको खास जाके पड़े, घर में जो होती हैं इसी से आप बनाएं। और रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इफ़ आई नीड, तो फिर हम पानी डालेंगे वरना नहीं। इसी में चिकन के पानी में, टमाटर में ये हरा मसाला जो है इसी में ये पक जाएगा। ठीक है, चावल एज़ आई टोल्ड यू मैंने 3/4 डन किए हैं, अभी थोड़े से कच्चे हैं, तो ये थोड़े से जो कच्चे राइस है ना वो पक जाएंगे जब हम इसको चिकन के साथ डालेंगे। सी, पिक अप द राइस एंड चेक, ऐसे करके आप तोड़ेंगे तो वो टूटेंगे नहीं अभी, लेकिन ये बिल्कुल कच्चे नहीं हैं अभी, सो इनको हम होने देते हैं। इसमें चिकन में जब डालेंगे तब ये हो जाएगा। ऊपर हम घी डालेंगे, थोड़ा सा डॉट कर देंगे थोड़ा सा घी, और फिर उसी में घी में पानी में बाफ में ही पक जाएगा। सो आई होप आपने ये रेसिपी नोट की है मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। चिकन को मैंने मैरिनेट किया था, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, ठीक है, और मैंने चटनी के अज्जा थे ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिए, अदरक लहसुन, हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया और थोड़ा सा दही, ब्लेंड कर दीजिएगा। और फिर तेल हमने गरम किया, उसमें हमने प्याज फ्राई कर ली, या चॉप कर दें या कट करके स्लाइस करके, वॉट एवर यू वॉन्ट, और फिर चिकन डाल दी, टमाटर डाल दिए, हरी चटनी का मसाला डाल दिया। एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं लाहौर से उमर सईद बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे बात करने का बहुत दिल कर रहा था। जी फरमाइए। आपका ना चिकन बहुत देखने में डिलीशियस लग रहा है, अच्छा भी, मैं आपकी रेसिपीज ट्राई करता रहता हूँ और मैंने इतने दिनों से कॉल की, इसलिए मिली नहीं, अभी मिल गई ना कॉल, आप बोले। जी जी बोले, हेलो हेलो जी। अब जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो चिकन बना रही है ना ये बहुत डिलीशियस है, बहुत मैं शुक्रिया, आपकी रेसिपी ट्राई करता रहता हूँ, तो आपका आज कोई सवाल नहीं था, मैंने लगा आपने आज कोई सवाल रखा है, आप मुझे अपना प्रीवियस सवाल वैसे बता सकती हैं? आज कोई सवाल हमने रखा नहीं है क्योंकि गिफ्ट नहीं है ना, इसलिए आपको कोई सवाल पूछना है मुझसे है? नहीं, मैंने कहना था आप हमें केक बनाना सिखा सकती हैं। क्या करूं? केक बनाना सिखा सकती हैं? वनीला केक? केक बनाना? जी। कौन सा केक? हाँ जी, आप लिख के हमें एसएमएस कर दीजिएगा कौन सा केक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट नहीं किया है तो आपकी लाइन कट जाती है, हमें बार बार हम बोलते हैं जब आप हमें कॉल करें टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दिया करें। और केक तो मैं हर रोज़ ही बनाती हूँ, कुछ ना कुछ मीठा तो हमारे शो पे है ही हर रोज़, तो केक्स तो इतने सारे ला तादाद में बनाना सिखा चुकी हूँ, चॉकलेट के, वनीला के, स्ट्रॉबेरी के, पाइनएप्पल के, हर चीज़ के सीज़न के, मैंगो के, तो आप केक्स तो देखिए उसमें से, नेट पे से देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाना ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, तो देखिए सीखिए, नई नई चीज़ें ट्राई किया करें। बहुत शुक्रिया जी आपने कॉल की। ब्रेक की तरफ चलें, तो यहाँ तो हमें सिर्फ चिकन को पकाना है, वी जस्ट वेटिंग चिकन हमारी हो जाए। जैसे ही चिकन हो जाएगी बिल्कुल हाफ कुक्ड राइस इसके ऊपर, उसको हम दम पे पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसको डिश में निकाल के सर्व करेंगे, थोड़ा सा घी ऊपर से डालेंगे। एक कॉलर है जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, फरमाइए जी। ज़बरदस्त आप केक जो बना रही हैं, मुझे पूछना था कि इसके टाइमिंग नहीं ना बताई, कितने टाइम का बेक करना है ये? टाइम मैं आपको बताती हूँ बस जी, बिकॉज यू सी ये ऐसा केक है कि इसमें आपने स्कूअर डाल के निकालेंगे तो नीचे तो सॉस होगा तो स्कूअर तो साफ निकलेगा नहीं, जब केक ऊपर सेट हो जाएगा ना तब हमें निकाल देना है और थोड़ा हिलना चाहिए, पूरा फुल डन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीचे का सॉस सूख नहीं जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके वेलकम जी। 20 से 30 मिनट से ज़्यादा आपने केक बेक नहीं करना है, ये वाला मैं इसकी सिर्फ बात कर रही हूँ, ठीक है, दूसरे किसी के साथ कन्फ्यूज़ नहीं कर दीजिएगा प्लीज़। ब्रेक की तरफ चलते हैं, चिकन हमारी हो रही है, एक्चुअली आई हैव गॉट वेरी बिग पीसेज ऑफ चिकन टुडे, तो इसको ज़रा टाइम लगेगा, फिर जैसे ही चिकन हमारी हो जाएगी फिर हम इसके ऊपर चावल डालेंगे। तो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी।
जी वेलकम बैक. देखें इसको जस्ट मैंने अभी एक मिनट पहले निकाला है. इस तरह होना चाहिए. इट शुड बी लाइक दिस मॉइस्ट. ठीक है. नीचे इसके यहाँ ये इसका पूरा सॉस है. ठीक है. प्लीज़ ये याद रखिएगा. तस्वीर के लिए मैं इसको पूरा खोल नहीं रही, तोड़ नहीं रही, लेकिन ये इसी तरह बनेगा. रायता हम निकाल चुके हैं. चिकन इज़ ऑलमोस्ट डन. ठीक है. तो अब हमें इसके ऊपर चावल डालने हैं. थोड़ा सा मैंने इसको सुखाना है चटनी को, बिकॉज इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था. ये इसी का जो पानी था इसी में ये चिकन पक रही है. पीसेस छोटे हों या बोनलेस हों तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, बट ये थोड़े पीसेस आज बड़े थे. ओके सो नाउ चावल विल गो ऑन टॉप. और ये चावल आधे कच्चे हैं जैसे मैंने आपको कहा था, फुल डन नहीं है. इस पर थोड़ा सा घी डाल के वी लीव दिस टू कुक. थोड़ा सा आप इस पर घी डाल दीजिए. चाहें तो आप नीचे तवा रख दीजिए. मैं रखती हूँ तवा, ज़रा इसको हो जाने दें. एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात. हेलो. हेलो. अस्सलाम. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? मैं ठीक हूँ शुक्रिया. आप सुनाएं. हाँ जी अल्लाह का शुक्र, आपका शो बड़ा अच्छा. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जी मैंने आपसे पूछना था कि आपके यहाँ पर एक शो लगता था फ्लेम ऑन है. क्या जी? शो लगता था ना आपके ये चैनल पर फ्लेम ऑन. आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं है. क्या कह रही है, दोबारा बोलें, जोर से बोलें. मैं कह रही हूँ कि आपके चैनल पर पहले शो लगता था फ्लेम ऑन है. नहीं क्या आपके चैनल? कोई दूसरे शो की बात कर रही है. हाँ क्या करूँ उसका. सैटरडे संडे फ्लेम ऑन आता है ना, आज नहीं आता है. हफ्ता इतवार इरफान का शो ना. ठीक है. ओके चलें, दिस इज़ आल्सो डन. अच्छा अब इसको आप कब निकालेंगे? फौरन. आप इसको फौरन स्कूप आउट करके बोल्स में निकालेंगे. उस गरम गरम होगा तो उसके ऊपर आप आइसक्रीम डाल के उसको सर्व कर देंगे. सो इसको ठंडा नहीं कर दीजिएगा, फिर दोबारा गरम नहीं करिएगा. अवन में से निकाल के इसको बना के आप रख सकते हैं और फिर आप अवन में रखें जब आप खाना खाने बैठें. समझ आ गई? नाउ सी चावलों को मैंने बहुत ज़्यादा अंदर मिक्स नहीं किया है. चावल इसी के भाप में हो जाएंगे, सो डोंट मिक्स देम अप टू मच. अच्छा एक कॉलर है. हेलो. हेलो. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शुक्रिया. फरमाइए. जी बोले. मैं ना आई थिंक एक क्लास में थी, मैं तब से आपका शो देख रही हूँ ना. मेरा एक बेटा भी और अभी भी मैं आपका शो देख रही हूँ. ओके बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मैं तो एक क्लास में थी तब से मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ. अब मैं सोच रही हूँ कि आप एट्थ में थी और आप कितने साल की हुई? अभी मैं हूँ 19 की. कितने? 19 की. अच्छा मगर मैं तो यहाँ सिर्फ 10 साल से हूँ. तो मैं 8 में थी अभी. अच्छा, 8 में थी. मैं समझी आप 8 साल की थी. अच्छा अच्छा अच्छा. थैंक यू जी. रेसिपीज ट्राई करिएगा, देखते रहिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा. ठीक है. ओके थैंक यू. ओके जी थैंक यू सो मच. अब एक तवा जाएगा इसके नीचे. ठीक है. और इसको हम दम पे छोड़ देंगे, अब इसको हम नहीं छेड़ेंगे. एंड देन इसको हम पकने देंगे. चावलों को होना है बिकॉज चावल कच्चे थे. सो आई थिंक विल टेक अ ब्रेक बिकॉज अभी हमारे पास कुछ और काम तो है नहीं कि मैं रीकैप कर दूँ. मैं रीकैप कर देती हूँ. चिकन मैंने लिया था, 2 कप चावल लिए थे और 3 प्याज थे, उसको चॉप कर देना है. 2 टमाटरों को प्यूरे करना है. फिर घी में या तेल में आप लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची, तेज़पत्ता, ये सब कुछ भून लीजिएगा अच्छा सा. फिर उसमें आप चावल डाल के पका के एक तरफ रख लीजिएगा. चावलों में मैंने पानी नहीं डाला था, उसी थोड़ा सा पानी था जिसमें वो भिगोए थे उसी में चावल पक गए थे, एक तरफ रख लीजिएगा. ठीक है. पानी निथारना नहीं है हमने. फिर हमने दूसरे पैन में जब प्याज लाल हो गए तो चिकन को जो मैरिनेट किया था लाल मिर्चों के साथ, नमक और हल्दी के साथ, उसको हमने पका लिया. टमाटर डाल दिया. फिर हमने चटनी जो पीसी थी जिसमें हमने दही डाला था, अदरक लहसुन, हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया, ये सब कुछ डाल के पीस ली थी एक हरी चटनी, वो हमने डाल दिया इसमें. ठीक है ये हो गया. कुछ लोग हरा और करने के लिए इसमें रंग भी डालते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन ऐड ग्रीन कलर. और धनिया पाउडर भी इसमें गया था, घी गया था. दैट्स इट, सिंपल एज दैट.
सो दिस इज ऑल्सो डन. और एक और कॉलर है, उनसे करते हैं बात. हेलो. सलाम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी. गेस्ट वीक बहुत अच्छा था. अच्छा, थैंक यू. आपने किसी की रेसिपी ट्राई की? नहीं नहीं, ट्राई तो नहीं की, मैंने देखा है. इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी. ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. ठीक छे, बदावा. चलो पची बात करी. ओके ओके ओके. आपने अपना नाम ही नहीं बताया. रिहाना फ्रॉम, मैं बारेन से बोल रही हूँ. अच्छा अच्छा जी, ओके, बहुत शुक्रिया, आपने बारेन से कॉल की, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज. ओके, आई थिंक वील टेक अ ब्रेक नाउ बिकॉज चावल दम पे हैं एंड वीव गॉट नथिंग एल्स टू डू. हम क्लीन अप करेंगे, ब्रेक से आएंगे तो फिर हम डिश में निकालेंगे और आपको सर्व करेंगे. कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी. चॉकलेट कॉबलर, अज्जा, नमकीन मक्खन 3/4 कप, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चम्मच, चॉकलेट चिप्स 1/2 कप, लाइट ब्राउन शुगर 3/4 कप, इसी चीनी 1 कप, कोको पाउडर 7 खाने के चम्मच, दूध 1/2 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, उबला पानी 1.5 कप, वनीला आइसक्रीम सर्विंग के लिए. तरकीब, पहले मक्खन को बेकिंग डिश में रखकर गर्म ओवन में पिघलाएं और निकालकर एक तरफ रख दें. उसके बाद एक बोल में मैदा, चॉकलेट चिप्स, ब्राउन शुगर, पीसी चीनी, बेकिंग पाउडर और 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर शामिल करके मिक्स कर लें. अब एक जग में दूध और वनीला एसेंस मिक्स करें और इस मिक्सर को खुश्क अज्जा में डाल के अच्छी तरह फोल्ड कर लें. फिर इस बैटर को पिघले मक्खन में शामिल करें. उसके बाद एक बोल में बाकी 5 खाने के चम्मचे कोको पाउडर, 1/4 कप ब्राउन शुगर और 2/3 कप पीसी चीनी डालकर अच्छी तरह विस्क कर लें. अब इस मिक्सर को बेकिंग डिश में शामिल करके ऊपर से उबला पानी डाल दें. फिर इसे गर्म ओवन में 180°C पर 35 से 40 मिनट तक बेक करें. आखिर में चॉकलेट कॉबलर ओवन से निकाल के ठंडा कर लें और वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करें. हरी चटनी पुलाव, अज्जा, चिकन 1 किलो, चावल भीगे हुए 2 कप, चॉप्ड प्याज 3 अदद, टमाटर प्यूरी 2 अदद, लौंग 6 अदद, हरी इलायची 4 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, पिसी हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1.5 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, घी 2 खाने के चम्मच, तेल 4 खाने के चम्मच. हरी चटनी बनाने के लिए चॉप्ड अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 6 जवे, हरी मिर्चें 6 अदद, पुदीने के पत्ते 1/2 कप, हरा धनिया 1 कप, गाढ़ी दही 2 खाने के चम्मच. तरकीब, एक बोल में चिकन पिसी हल्दी, आधी पिसी लाल मिर्च और नमक डाल के चिकन मैरिनेट कर लें. फिर हरी चटनी के तमाम अज्जा ब्लेंडर में पीस लें. उसके बाद तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई चिकन सौते करें और निकाल कर एक तरफ रख दें. फिर इसी तेल में दरमियानी आंच पर प्याज सौते कर लें. इसके बाद बाकी पिसी लाल मिर्च, नमक और पिसा धनिया शामिल करके सौते करें. अब इसमें तैयार की हुई चटनी डालकर इतना पकाएं कि तेल अलग हो जाए. फिर इसमें चिकन शामिल करके मिक्स कर लें. उसके बाद टोमेटो प्यूरी और पानी डाल के ढकें और धीमी आंच पर पकने दें. अब घी गर्म करके जीरा, लौंग, तेज़पत्ते और हरी इलायची शामिल करके फ्राई करें. फिर इसमें चावल और तैयार की हुई चिकन डालकर फैलाएं और इसे दम दें. आखिर में डिश आउट करके सर्व कर दें. वेलकम बैक. लज्जत में 5 बजे हलीम बनेगा और नान पकौड़ा है और दही की चटनी है. कल मैं बना रही हूँ पोटैटो पूरी, ठीक है? देखिएगा पूरियाँ और आलू कैसे हम लोग सर्व करते हैं. और जुकीनी से हम ब्रेड बनाएंगे कल, माड़ू से लेमन जुकीनी ब्रेड बनेगा, तो ज़रूर देखिएगा. ओके, आज की रेसिपीज़ में चॉकलेट कॉबलर है, देखा कितना राइज हुआ था, फिर ये बैठ गया है बिकॉज नीचे सॉस आ गई है और पूरा जो ये है वो केक सेट हो गया है. 30 मिनट से ज़्यादा बेक नहीं करिएगा, ये लगेगा बहुत डार्क चॉकलेट का बिकॉज मैंने बहुत डार्क कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है. एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात. हेलो, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप सुनाएं. मैंने तो आपको नाम दिया हुआ क्वीन ऑफ डेजर्ट्स एंड बेकिंग. अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है. नहीं, आपकी सेवरी भी बहुत अच्छी होती है. थैंक यू. इत्तेफाक से मेरी सेकंड टाइम कॉल मिली है. ओके, वेलकम टू आवर शो. हाँ, पहले भी मैंने किया था तो मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ आपकी बेकिंग में. ठीक है, थैंक यू सो मच. मैं खुद भी कुकिंग करती हूँ तो मैंने कहा कि मैं
आपकी सिर्फ तारीफ करनी है, माशाल्लाह आप सब कुछ बहुत अच्छा हैंडल करती हैं और बड़ा साफ सुथरा करती हैं, कोई हदड़ बदड़ नहीं होती माशाल्लाह, तो सब कुछ बहुत माशाल्लाह अच्छा होता है। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। ओके, सो क्यूकम्बर रायता में मैंने बस छोटा सा एक खीरा लिया था आधा, उसको ग्रेट कर दीजिएगा, एक्सेस पानी निकाल दीजिएगा, दही के साथ फेंट लीजिएगा, नमक, काली मिर्चें, लाल मिर्चें, जो भी आपको डालनी हो, जीरा पिसा हुआ, व्हाटएवर, ठीक है। और वो एक सिंगल सर्विंग कर दी है। यहाँ भी हमने चटनी पुलाव निकाल दिया है, हरी चटनी कैसे पिसी थी, हमने थोड़ा सा दही डाल दिया था, अदरक लहसुन, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना, एंड वी जस्ट, ओ या कुल्फी, कुल्फी, ओ आपने याद नहीं दिलाते तो हम तो भूल जाते हैं, कल की कुल्फी, कल की कुल्फी, द रोज़ कुल्फी फालूदा निकाल के हमने रखा था, हम खुद ही भूल गए, देखो, सो यमी यमी, दिस इज़ ईयर, ये भी आपको दिखाना था हमें, और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, आई होप एवरी थिंग इज़ ईयर नाउ फॉर टुडे। अब इसको कुल्फी के साथ खाना कैसा लगेगा, आइडिया, मुझे तो भूख लग रही है। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, आपकी और मेरी मुलाकात कल 3:30 से 4:30 लाइव होगी, देखना मत भूलिएगा, और पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे आपके सामने हाजिर हैं, रात में 12 बजे, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखिएगा ज़रूर, और सैटरडे संडे हफ्ता इतवार को 6 बजे शाम को मेरा शो ज़रूर देखिएगा, ऑलपर्स का वो भी चल रहा है, बहुत अच्छी मैंने उसमें दूध क्रीम वगैरह की रेसिपीज़ बनाई हैं, ठीक है। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा, खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।